हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरूके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। तो बात करते हैं बिग बैश लीग मैच नंबर 33 जो कि खेला जाएगा हॉबर्ट हुरिकेन्स और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में, जहां पे दोनों टीम्स प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए रेडी है। जहां पे रिसेंटली बात करें, जहां पे दोनों टीम ने 9 जनवरी को एक दूसरे से मैच खेली थी जिसमें एडिलेड स्ट्राइकर जीत के आ रही है, फिर यहां पे दोनों के बीच में मैच होगा। जहां पे हॉबर्ट टीम इस वक्त केवल नंबर 6 पे स्टेबल है। टीम ने 8 मैच खेले जिसमें से 5 मैच हार के आ रही है और 3 मैच जीत के आ रही है। टीम अब तक बैलेंस बनाकर खेल रही है। वहीं दूसरी तरफ एडिलेड स्ट्राइकर ने 8 मैच खेले जिसमें से 3 मैच जीत के आ रही है और 4 मैच हार के आ रही है, जहां पे एक मैच कैंसिल भी हुआ था। टीम पॉइंट टेबल नंबर 5 पे स्टेबल है। यह मैच 11 जनवरी को बैलेडेबल ओवल हॉबर्ट में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन बारिश की संभावना है, मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। वहीं ह्यूमिडिटी 84% रहेगा, टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 59% जीतने का चांस है। वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 40% जीतने का चांस है। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो एवरेज फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 165 है, वहीं सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 147 है। अब बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड, चेक करते हैं लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग। जहाँ पे हॉबर्ट हुरिकेन्स 4 मैच जीत के आ रही है, तो एडिलेड स्ट्राइकर 6 मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं पहली टीम एडिलेड स्ट्राइकर का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। जहाँ अपने टीम ने लगातार मैच हार के बाद जबरदस्त कमबैक करते हुए लास्ट 2 गेम में जीत दर्ज किया। वही जीत के साथ टीम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। लास्ट गेम में टीम ने हॉबर्ट को ही हराया था। यहां पर टीम का टारगेट जीत दर्ज करना होगा। टीम के कप्तान जहां पर मैथ्यू शॉर्ट है, जो टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर है, उन्होंने 7 मैच में से 396 रन बनाए, लेकिन उन्होंने किसी से सपोर्ट नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ जहां पर क्रिस लिन भी सुपर फॉर्म में है और डी आरसी स्टोर टीम के इफेक्टिव प्लेयर है, जहां पर एलेक्स कैरी भी फॉर्म में आ गए हैं। बॉलिंग लास्ट मैच में गुड थी। टीम के टॉप बॉलर हैं जैमी ओवरटन, जिन्होंने 7 इनिंग में 11 विकेट निकाले थे। हेनरी थॉम्पटन जो ने 2 विकेट लिया था। डेविड पैनी लास्ट गेम में 1 विकेट लिए थे। बॉय लास्ट में गेम में 2 विकेट निकाले थे। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे मैथ्यू शॉर्ट जो कि कप्तान है, डी आरसी शॉर्ट है, क्रिस लिन है, एडम होज है, जेमी मॉडर्न, थॉमस केली है, लॉयड पोप, एलेक्स करी जो कि विकेट कीपर है, थॉर्पटन है, डेविड पैनी और कैमरन बॉयज है। अब इनके कुछ की प्लेयर की बात करते हैं। जहां पे पहली प्लेयर है मैथ्यू शॉर्ट जो कि 7 इनिंग में 396 रन है, एवरेज 60 का। वहीं क्रिस लिन दूसरी प्लेयर जो कि 7 इनिंग में 304 रन है, एवरेज 51 का। तीसरी प्लेयर की बात करें तो जेमी मॉडर्न जो कि 7 इनिंग में 11 विकेट निकाले, इकोनॉमिक 7.4 का है। बात करते हैं दूसरी टीम हॉबर्ट हुरिकेन्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। जहां पर टीम ने लास्ट गेम एडिलेड से हार गई थी, टीम ने अच्छा फाइट किया लेकिन स्ट्राइकर को नहीं हरा पाए। यहां पर टीम के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल है। लास्ट गेम में टीम की बैटिंग हिट थी। ओपनर जहां पे बेन मैकडरमॉट जो 95 की इनिंग खेली थी, बाकी बैटर्स फेल थे। फास्ट बॉलर नाथन एलियस टीम के कैप्टन है, जो कि बैटिंग में जहां पे बात करते हैं सिलिप जोवेल जो 7 मैच में 147 रन बनाकर लीडिंग रन स्कोरर है। एमसी राइट टीम के लिए लगातार रन बना रहे हैं। वहीं ऑलराउंडर कोरेस एडरसन टीम को ताकत देते हैं। टीम डेविड अभी आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, उनके बेस्ट से रन नहीं बन रहा है। वहीं अगर बॉलिंग यूनिट में बात करें, जो जहां पे टीम ने लास्ट गेम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था, स्पिन डिपार्टमेंट जहां पे पैट्रिक डुडली टीम को लीड करेंगे, निखिल चौधरी और किस जॉर्डन इफेक्टिव बॉलर है। जॉर्डन लास्ट गेम में 1 विकेट लिए थे। वहीं ऑलराउंडर जहां पे नाथन एलिसन है, अब तक 8 मैच में 10 विकेट लीडिंग विकेट टेकर बन चुके हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे सिलिप जोवेल है, मैथ्यू वेड है, बेन मैकडरमॉट है, मैकलिस्टर राइट है, टीम डेविड है, कोरे एडरसन है, निखिल चौधरी, क्रिस जॉर्डन, पैट्रिक डुडली, नाथन एलियस जो कि कप्तान है और रिले मेरेडिथ। अब इनके कुछ की प्लेयर की बात करते हैं। जहां पे बेन मैकडरमॉट जो कि एक बैट्समैन है, 6 मैच में 204 रन है, एवरेज 40 का है। वहीं दूसरी प्लेयर की बात करें, वो एमसी राइट जो कि एक बैट्समैन है, 6 मैच में 149 रन है, एवरेज 27 का है। तीसरी प्लेयर की बात करें नाथन एलियस जो कि बॉलर है, 8 मैच में 10 विकेट निकाले, इकोनॉमिक 7.7 का है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली। दोनों टीम इस समय वीक नजर आ रही है। रिसेंटली परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए आज का हमारे अकॉर्डिंग मिनर होगा हॉबर्ट हुरिकेन्स, यहाँ पे एडिलेड स्ट्राइकर को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।